हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के जीवन का एक राज, एक असली सच मैं आपको बताऊंगा, जो कि मतलब आप लोगों ने इसका फेस तो मतलब आप लोगों के साथ ही हमेशा होता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता। और मतलब आज अप्रैल फूल डे है, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों से झूठ बोलूँगा। मतलब आप उन ऐसा बंदा नहीं है भाई, और हो सकता है मैं मजाक भी कर दूँ, दिक्कत वाली क्या बात है। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो मान लो मतलब कहीं आप मतलब गए हो वही चाट फुचका मतलब गोलगप्पे खाने के लिए है, और उसके बाद जब वो बनाता है ना, ठीक है, बनाता है, उससे पहले आपको पता चल जाता है कि उसका जो उसका नमक मिर्च को, उसके खट्टा मीठापन को जो बनाता है ऐसे मस्त करके, तो उसे देखकर यह पता लगा सकते हो कि मतलब एक्चुअल में उसका स्वाद कैसा होने वाला है। तो यही सच्चाई आप लोगों के जीवन से बतानी थी। सही यार, ये कौन सी सच्चाई है? ये तो हर किसी को पता है कि ऐसा होता है, मुंह में पानी आ जाता है। बट दोस्तों कोई बात नहीं, अब आप लोग इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, इससे जड़ पर आते हैं। तो मोटोरोला G52 का जो मतलब ऑफिशियल रेंडर है वो वैसे लीक हो चुका है, मतलब लॉन्च होने से पहले ही लीक हो चुका है, और यही तो मैं आपको बताना चाहता था। चलो अब देख लेते हैं एक्चुअल जब चाट फुचका बनाई जा रही है तो जो मुंह में पानी आ रहा है तो खाने के बाद मतलब क्या मस्त लगेगा। सॉरी, ये कहाँ से यार ऐसी जोक वगैरह निकलती है। तो सबसे पहले इसके लुक और डिजाइन से शुरुआत करते हैं। और इसका जो बाइक है वहाँ पर आपको तीन तीन ऐसे आँख देखने के लिए मिलेगा, बीच में मतलब मोटरोला का अपना ऐसे ब्रांडिंग या फिर जो भी छापा बोल लो, जैसे अपना छापा तो नहीं है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मोटरोला का अपना छापा है। प्लास्टिक का बाइक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, और आप लोग सोचोगे कि इसी लोगों में फिंगरप्रिंट होगा, बट ऐसी बात नहीं है। इस बार जो मोटरोला है वो साइड में से फिंगरप्रिंट दे दिया है, तो लोगों में फिंगरप्रिंट नहीं है, और फ्रंट के साइड में पंच होल कटआउट में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। और ये डिस्प्ले 6.55 इंच का फुल HD प्लस मतलब 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ POLED डिस्प्ले, मतलब आप समझ सकते हो मैंने काफ़ी सारे नंबर बोल दी, बट आप लोग इतना समझ लो, पिछला मोटरोला G51 से आपको तगड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, बस थोड़ा सा रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज़ का मिलता है। पहले आपको 120 हर्ट्ज़ का मिलता था, अब 90 हर्ट्ज़ का मिलता है। और पिछला LCD था, इस बार AMOLED या फिर OLED जो भी बोल लो वो आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब डिस्प्ले तो एकदम धाकुड़े होने वाला है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप उन बताएगा कि पिछला थोड़ा लो क्वालिटी के चाट फूचका में थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल दिया गया था, और इस बार का जो चाट फूचका वो हाई क्वालिटी का है लेकिन मसाला थोड़ा सा कम डाला गया है। मतलब आप समझ ही सकते हो, जो हाई क्वालिटी का चाट फूचका है वो खाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओ भाई, पता नहीं क्या क्या सारी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने लग रहा हूँ। अब इसी बात पर इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों मोटरोला ने काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया है, क्योंकि पिछला बार आपको स्नैपड्रैगन का 480 प्लस देखने के लिए मिलता था। आप लोग सोचोगे कि 480 प्लस तो 680 से कमज़ोर लग रहा है, बट दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जो 680 है वो एक 4G प्रोसेसर है, इसलिए फ़ोन भी आपको 4G देखने के लिए मिलेगा, और जो 480 प्लस था वहाँ पर आपको 5G देखने के लिए मिलता था, और इसीलिए मोटरोला G51 एक 5G था और ये एक 4G है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये मत समझना कि मतलब छोटे बेटे और बड़े बेटे में क्या क्या फ़र्क है, हालांकि ये 4G है लेकिन काफ़ी सारी बातों में वो अपने बड़े भाई से जो पहले आया था उससे अच्छी बात भी है। गेमिंग आप उतनी अच्छी नहीं कर सकते जितना आप 480 प्लस में कर सकते हो। एंड्रॉयड 12 और MyOS के साथ ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा। LPDDR4X RAM होगा, और जो स्टोरेज टाइप होगा वो UMCP वाला होगा, जो कि UFS 2.1 से थोड़ा थोड़ा आप कमज़ोर बोल सकते हो या फिर उसी आसपास का बोल सकते हो। मतलब सही यहाँ पर सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, बस जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिया गया है। और हाँ, चिंता मत करना, अपुन है आपको बाद में बताएगा कि क्या कुछ ऐसे झोल झमेला है। इसी बात पर कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, तो आजकल 50 मेगापिक्सल का ट्रेंड चल रहा है, तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जिसमें EIS का सपोर्ट मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 का ऐसे आपको माइक्रो देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, इस फ़ोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर ही उतना पावरफुल नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पर जो फोटोज़ आएगी, जो वीडियोज़ आएगी, वो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगा, नाइट मोड वगैरह। और मोटरोला का अपना ऐसे मस्त मस्त फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ, अगर पिछली रिकॉर्ड को देखते हुए, तो इसका जो फोटोज़, इसका जो वीडियोज़ होगा वो आपको
कभी काफी सही देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा तब ना आप जज करोगे कि हाँ कितना सही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 5,000 में इसकी बैटरी मिलेगी, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग होगा। इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो IP52 रेटिंग के साथ आएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये आपका फोन है और थोड़े बहुत इसमें अगर पानी के छपाक छपाक के अगर आप इसमें फेंक दो तो वो संभाल लेगा आपका फोन। 3.5 mm का जैक मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, मतलब दो दो स्पीकर मिलेंगे। SD कार्ड का सपोर्ट भी मिलेगा, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलेगा और थिंक सील्ड ऐसा हार्डवेयर बेस्ड जिस सैमसंग में होता है ना नोक्स वाला, उसी तरीके से यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। 2 साल का OS अपडेट मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा तो एंड्रॉइड 14 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको इसके छोटे भाई G51 से कंपेयर करके बता देता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो अपने छोटे भाई से जो पहले पैदा हुआ था, हालांकि जो पहले मार्केट में आया था उससे काफी अच्छा है। हालांकि जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उसमें मिलता है लेकिन इसमें 90 हर्ट्ज मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको एमोलेड यानी ओलेड जो भी आप बोलो वो देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो ब्राइटनेस होगा, इसका जो कलर्स होगा, बैटरी एफिशिएंसी होगा वो उससे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि जो प्रोसेसर है वो छोटे भाई जो पहले आया था, हालांकि बड़ा तो उसको होना चाहिए लेकिन हम लोग बोलते हैं जो पहले है उसको छोटा बोलते हैं, तो जो छोटे भाई है उसमें 480 प्लस देखने के लिए मिलता है, इसमें 680 मिलता है। तो इस फोन का प्रोसेसर कमजोर है और इसमें आपको 5G का सपोर्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम बेकार प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो कोई आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो मतलब 11 से 14 हज़ार के बीच होने वाला है। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी सही डिस्प्ले और काफ़ी मस्त वाला फ़ोन देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग बताना कि ऐसे चाट फुचका जो ऐसे मुंह में पानी आ रहा था उसको एक्चुअल खाने के बाद आपको कैसा लगा। और बस ये थी मेरी बात, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो मिलते हैं। बाय।